हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट सेंटर पर एग्जाम में पूछे जाने वाले म्यूजिक का क्वेश्चन। अगर आप लोग की म्यूजिक एग्जाम अभी तक हो चुकी है तो आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। अगर आप लोग एग्जाम नहीं हुई है तो आप लोग को सेम यही क्वेश्चन आपके म्यूजिक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों का म्यूजिक क्वेश्चन का लेवल क्या है और एनुअल एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और आपको किसी भी तरह का क्वेरी के लिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टोटल आपको म्यूजिक में टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और 20 आपको सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप के रहते हैं और 6 लॉन्ग रहते हैं, जिसमें से 10 और 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखो देखते हैं। और आप लोगों में से जिस स्टूडेंट्स को इसका PDF चाहिए तो आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके इसका PDF कैसे मिलेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के का भी आंसर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो संगीत पारिजात के लेखक कौन है? पंडित अहबल। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब सेकेंड में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राग देश की ठाट क्या है? राग देश की ठाट क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? खमाज। क्या हो जाएगा? खमाज। अब आते हैं थ्री नंबर क्वेश्चन की ओर। तानसेन किस राजा के दरबार में गायक थे? तानसेन किस राजा के दरबार में गायक थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। अब आते हैं हम लोग फोर्थ में क्वेश्चन की ओर। फोर्थ में क्वेश्चन है, ताल में निःशब्द क्रिया कौन सी है? ताल में निःशब्द क्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर का सही आंसर सी नंबर, खाली। क्या हो जाएगा? खाली। अब बढ़ते फाइव नंबर क्वेश्चन की ओर। आगरा घराने से कौन संबंधित है? आगरा घराने से इनमें से कौन संबंधित है? तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? फेज खां। क्या हो जाएगा? फेज खां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइव का सही आंसर, फाइव का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सिक्स में क्वेश्चन की ओर। सिक्स में क्वेश्चन हमारा है, राग जौनपुरी का गायन समय क्या था? राग जौनपुरी का गायन समय क्या है? तो इसका सही हो जाएगा दिन का दूसरा पहर। क्या हो जाएगा? सिक्स का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, दिन का दूसरा पहर। अब आते हैं सेवंथ में क्वेश्चन की ओर। सेवंथ में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के ग्रंथकार कौन थे? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ के ग्रंथकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित सारंगदेव। क्या हो जाएगा? पंडित सारंगदेव। सेवन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग एट में क्वेश्चन की ओर। राग यमन का गायन समय क्या था? तो राग यमन का गायन समय कौन था? तो रात्रि का प्रथम पहर। एट का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। एट का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर। अब बढ़ते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन की ओर। नाइन नंबर क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, सेवन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग आंसर लिख भी आ सकते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन में आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आंसर बताना होता है। मैं इस वीडियो में टोटल आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, जिसमें से आपको जो भी 35 अच्छा लगे आप उसका आंसर दे दीजिएगा। बाकी का जो 30 क्वेश्चन बचा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। और अगर जिसको चाहिए वो आप कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 30 जो क्वेश्चन बचेगा उसका हम लोग पार्ट टू लेके आएंगे। अब 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विदुषी गिरिराज देवी की निम्न में से किस शैली के गायन के लिए सुपरसिद्ध है? तो इसका क्या हो जाएगा? ठुमरी। क्या हो जाएगा? 10 का सही आंसर, 10 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, ठुमरी। अब आते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। कौन सरोद वायक मेहर घराने से संबंध रखते थे? कौन सरोद वादक मेहर घराने से संबंध रखते थे? तो 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अली अकबर खां। कौन होगा? अली अकबर खां। 11 का जो सही आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 12 में क्वेश्चन की ओर। राग भीमपालसी किस ठाट का राग है? राग भीमपालसी किस ठाट का राग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काफी। क्या हो जाएगा? काफी, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 में डॉक्टर एन राजम कौन सा वाद बजाती थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सही आंसर हमारा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब 14 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार ताल में कितने विभाग होते हैं? चार ताल में कितने विभाग होते हैं? तो चार ताल में
छह विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? छह विभाग। तो 40 का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, राग भैरव के वादी संवादी क्या हैं? राग भैरव के वादी संवादी क्या हैं? तो इसका हो जाएगा ध और रे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राग केदार का ठाट क्या है? राग केदार का ठाट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कल्याण। क्या हो जाएगा? कल्याण। सॉरी, 16 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। 17 में क्वेश्चन है, किस ताल में चार थाली और दो खाली है? किस ताल में चार ताली और दो खाली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ताल। क्या हो जाएगा? एक ताल में चार थाली और दो खाली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 का? हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब बढ़ते हम लोग 18 में क्वेश्चन की ओर। किस राग में रे और प नहीं लगते हैं? किस राग में रे और प नहीं लगते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का, हमारा सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब बढ़ते 19 में क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अवनर्थवाद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब आते 20 में क्वेश्चन आपका है, ताल झप्पाल में कितनी मात्राएं होती है? ताल झप्पाल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10, 10 मात्राएं होती है। राग विभाग का वादी स्वर क्या है? राग विभाग का वादी स्वर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ग। क्या हो जाएगा? ग। अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश। क्या हो जाएगा? देश। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ताल ख्याल अंग से संबंधित नहीं है? कौन सा ताल ख्याल रंग से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा धमार। क्या हो जाएगा? धमार जो है वो आपका ताल ख्याल अंग से संबंधित नहीं है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 24 में क्वेश्चन की ओर। 24 में क्वेश्चन है, राग केदार का वादी संवादी स्वर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा हमारा। अब आते 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। सात स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? सात स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा सप्तक। क्या कहते हैं? 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। अब आते 26 में क्वेश्चन की ओर, राग काफी में कौन से स्वर कोमल लगते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब आते 27 में क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित स्वर समूह में किस राग का है? निम्नलिखित स्वर समूह जो है वह किस राग का है? तो ये देश राग का है। किसका? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 में क्वेश्चन है, ताल त्रिताल में कितनी मात्राएं होती है? ताल त्रिताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 16। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। 28 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस राग का सबसे प्रधान स्वर कौन सा होता है? किसी राग का सबसे प्रधान वादी होती है। क्या होती है? वादी। अब आता है 31 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम नहीं है? कौन ग्राम नहीं है? तो भैरव जो इसमें से हमारा वो ग्राम नहीं है। अब 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस ताल में 1, 6, 11 मात्राओं पर थाली और 90 मात्रा पर खाली है? तो इसका हो जाएगा धमार। क्या हो जाएगा? धमार। अब आता है 33 नंबर क्वेश्चन की ओर, अकबर के दरबार में नवरत्नों में कौन जाने जाते थे? तानसेन। कौन जाने जाते थे? तानसेन। झपताल में कितने विभाग होते हैं? तो झपताल में चार विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? चार विभाग। चार ताल में कितनी खाली होती है? तो दो खाली होती है। मैंने आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ, मैं 5 और बताता हूँ, और जो आपको अच्छा लगे वो 35 क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके बाद उपलब्ध करवाएंगे। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा फिर आपको हम उतना ज़्यादा वीडियो अपलोड करवाएंगे। एक मात्रा में दो मात्राओं को अंश बोलने को क्या कहते हैं? तो दुगुन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुगुन। 36 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, ख्याल गायकी से कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अंधरंग सदारंग।
रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो रूपक ताल रूपक काल में ताल में तीन विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? तीन। संगीत में कितने वर्ण है? तो संगीत में टोटल चार वर्ण है। अब 14वां क्वेश्चन, उस राग का नाम बताइए जिसमें दो कोमल स्वर लगते हैं। तो इसका सही आंसर 40 का डी नंबर हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप लोगों का जितना ज़्यादा कमेंट आएगा फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर डेवलप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।